हेलो फ्रेंड्स, डाटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं 10,000 के अंदर ऐसे टॉप 5 फोन जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस लिस्ट में मैं एक ऐसा स्मार्टफोन भी है जिसमें आपको 10,000 के प्राइस के अंदर आपको 64GB का स्टोरेज भी मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। मैं जो पहला लिस्ट आपको बताऊंगा 10,000 के प्राइस के अंदर फोन के बारे में, पहला फोन है टेनोर जी। ये स्मार्टफोन अभी आपको 8,999 रुपये में मिल रहा है, 3GB और 32GB मॉडल का। इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 626 मिलता है जो बहुत ही पावरफुल है और 2.2 GHz के ऊपर काम करता है और 14 नैनोमीटर के ऊपर ये बना हुआ है। मतलब आपको पावर एफिशिएंट ये वाला प्रोसेसर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है। हालांकि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जो टेनर का जो UI होता है बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। और आपको टेनर रेगुलर आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट और रेगुलर ओरियो का अपडेट भी आपको बहुत ही जल्दी इस फोन में मिल जाएगा। अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं 10,000 के प्राइस के अंदर जो स्नैपड्रैगन 626 के साथ, ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसमें आपको डुअल कैमरा 13+13 मेगापिक्सल का RGB+ मोनोक्रोम सेंसर वाला कैमरा भी मिलता है। जो इसका फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा फोन है फुल मेटल इनवर्टी के साथ। 8,999 रुपये में इससे अच्छा फोन आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। अगर आप एक फोन लेना चाहते हैं 10,000 के अंदर तो ये फोन आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। स्मार्टफोन लिस्ट में मैं जो आपको दूसरा स्मार्टफोन आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है। हालांकि थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन अभी भी ये स्मार्टफोन आउटडेटेड नहीं हुआ है और अभी भी लोग इसको खरीद रहे हैं। ये स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 4। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है आप आँख बंद करके अगर 10,000 के प्राइस के अंदर एक फ़ोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपको जो 9,999 रुपये वाला जो मॉडल है, इसमें आपको 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज मिलता है। स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर जो 14 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है, 2.0 GHz के ऊपर ये काम करता है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत ही बैटरी एफिशिएंट भी है। इसमें आपको 4100 mAh का बैटरी मिलता है। हालांकि इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको रियर में 13 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है। तो मैं मानता हूँ अगर आप 10,000 के प्राइस के अंदर एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप आँखें बंद करके खरीद सकते हैं, Redmi Note 4। तीसरा स्मार्टफोन की लिस्ट रखूंगा, आप इसका स्पेसिफिकेशन देखकर ही चौंक जाओगे, क्योंकि इसका जब 64GB का मॉडल 12,000 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अमेजन में अभी 9,999 रुपये में मिल रहा है Honor का 6X का 64GB वाला मॉडल। इसमें आपको मिलता है Huawei का अपना Kirin का 650 Pi 5 का प्रोसेसर जो बहुत ही पावरफुल के साथ साथ 16 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब आपको बैटरी एफिशिएंट भी ये प्रोसेसर है। इसमें आपको 3340 mAh का बैटरी मिलता है। हालांकि मैं खुद का Honor का मोबाइल यूज करता हूँ और मुझे Honor का जो UI होता है, Huawei का जो इमोशन UI होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मुझे स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इमोशन UI जब मैंने यूज किया शुरू किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Honor का जो 6X मॉडल है हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें आपको 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल मेमोरी और बैक में आपको डुअल रियर कैमरा, 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है और फुल मेटल मिनीबडी के साथ ये फ़ोन आता है। अगर आप फोन लेना चाहते हैं 10,000 से अंदर, हालांकि ये 16:9 का फ़ोन है, हालांकि 10,000 के प्राइस के अंदर ऐसा फ़ोन नहीं है जो आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो तो प्रोवाइड करा रहे, लेकिन आपको 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। 10,000 के अंदर जो 18:9 वाला डिस्प्ले का वाला फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर प्रोसेसर में इतना दम नहीं होता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक 16:9 का Honor 6X आपके लिए एक बेस्ट फोन हो सकता है अगर आप 10,000 के अंदर एक प्राइस का फोन लेना चाहते हैं। इस लिस्ट में मैं जो चौथा स्मार्टफोन को रखूंगा, इन लोगों के लिए रखूंगा जो ज़्यादातर सेल्फी को प्रेफर करते हैं। ये स्मार्टफोन का नाम है MIUI 1। ये मॉडल आपको 3GB और 32GB वाला मॉडल 8,999 में मिलता है। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। जो प्रोसेसर भी है वो बहुत ही ठीक ठाक प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 435 का प्रोसेसर के साथ आ रहा है, जो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। हालांकि मैं मानता हूँ 625 या 626 जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आपको 3000 mAh का बैटरी मिलता है और जो इसमें आपको प्लास्टिक यूनिवर्सिटी मिलता है, लेकिन आपको मेटल यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 10,000 के अंदर, अगर आप ओप्पो वीवो को नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि ओप्पो वीवो मैं खुद भी प्रेफर नहीं करता हूँ, अगर आप ओप्पो वीवो नहीं लेना चाहते हैं तो MI का Y1 मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप 10,000 के अंदर एक फ़ोन खरीद रहे हैं और आपको सेल्फी कैमरा से ज़्यादा मतलब है तो MIUI 1 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो पांचवा स्मार्टफोन को रखूंगा, अगर 10,000 के प्राइस के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन का नाम है Motorola का Moto G5 Plus।
हालांकि थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है, 8 से 10 महीने आसपास ये फोन हो चुका है लॉन्च होने के लिए, लेकिन अभी भी ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बिक रहा है और प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। इसमें अभी अमेजोन में जो सेल चल रहा है इसमें आपको 9999 रुपये में मिल रहा है। स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर है, 5.2 इंच का डिस्प्ले है। मैं ये फ़ोन को क्यों रखा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही फ़ोन होते हैं जो आपको 5.5 इंच या 6 इंच का फ़ोन हैंडल नहीं कर पाते और उनको बोलते हैं हमको 5 इंच या 5.2 इंच का डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए। तो ये फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, 3000 mAh का बैटरी के साथ और टर्बो चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है, बिल्कुल स्टॉक अनलोड के साथ। मोटोरोला जाना जाता है अपने अपडेट के बारे में, अपडेट बहुत ही जल्दी मोटोरोला प्रोवाइड कराती है, इसीलिए अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं, मैं पर्सनली ये फ़ोन को एक बार यूज़ किया था और जो 12 MP का जो कैमरा है डुअल पिक्सल ऑटोफोकस के साथ आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। अब मान के चलिए 10,000 के प्राइस के अंदर अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं जो डुअल पिक्सल ऑटोफोकस वाला कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया 10,000 के प्राइस के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा हो सकता है, आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगता है मुझे कमेंट्स में बताया, ताकि मुझे भी पता चले मेरे व्यूअर्स लोगों को कौन सा फ़ोन पसंद लगा 10,000 के प्राइस के अंदर। मेरा खुद का ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे हॉनर का जो 6X मॉडल है पर्सनली बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज बिल्कुल 10,000 के प्राइस के अंदर मिल रहा है। और हॉनर बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मैं खुद भी हॉनर का बहुत सारे फ़ोन यूज कर चुका हूँ, पर्सनली मुझे भी हॉनर का फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है। जो हॉनर का जो UI होता है इमोशन UI मुझे ज़्यादातर पसंद ही आता है, इसलिए अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम बहुत ही जल्दी 300 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।